हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू होते ही तरह तरह के हम शरबत पीते हैं, तो आज हम हेल्दी ड्रिंक लाए हैं जो कि गुड़ से बना हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने 350 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। गुड़ का कलर जैसा होगा शरबत भी आपका वैसा ही बनेगा। आप गुड़ को भी जितना आपको बनाना है जितने लोगों के लिए उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस इसी तरह से बनेगा। और क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखिए। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और पुदीने की कुछ पत्तियाँ लेंगे, एक नींबू का रस लेंगे और 1 चम्मच खाने वाली चम्मच से 1 चम्मच चाट मसाला लेंगे, और यहाँ पर 1/2 चम्मच लेंगे सौंफ पाउडर, और यहाँ पर लेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। अब देखिए, गुड़ को आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या तो आप गुड़ को कूट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, आपको जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ को ग्रेट कर लिया है इस मोटे वाले छेद से, इस तरह से बहुत जल्द ही घुल जाएंगे। गुड़ को घुलने के लिए या तो आप गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए और उसके बाद ठंडा होने दीजिए, या तो फिर नॉर्मल पानी में ही गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके छोड़ दीजिए, वो आराम से घुल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया है, ये बहुत जल्दी घुल जाएंगे। तो चलिए पानी में इसको घोल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। अब उसमें सभी जागरी यानी कि गुड़ को हमने जो ग्रेट किया उसको डालेंगे। ये कम से कम 5 मिनट में घुल जाते हैं फ्रेंड्स, और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से घुल ना जाए। अब इसको ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे और बीच बीच में चला चला कर इसी तरह से घोल लेंगे गुड़ को। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा पुदीने की पत्तियों को और अदरक को कूट लेना है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ काट के डालने से इनका फ्लेवर उसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको क्रश कर लिया है। अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ग्लास में डाल देंगे और दोनों को साथ में हम थोड़ा क्रश कर लेंगे, मतलब दरदरा सा इसको कूट लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ सके शरबत में। अभी देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अभी अच्छी तरह से घुला नहीं है। अभी जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक इसको हम इसी तरह चला के फिर ढक देंगे, कवर कर देंगे, और इसी के साथ जो हमने पुदीने की पत्तियों को और अदरक को कूटा है इसको भी डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया से इसमें आ सके और गुड़ भी साथ साथ घुल जाएगा। तो अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में सभी चीज़ को हम डाल देते हैं, सभी सामग्री को। जैसे कि हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, सफ़ेद नमक, चाट मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर और काला नमक को डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मीठा ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसको बना करके आप फ्रिज में रख दीजिए और जब चाहें तब ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद इसको फिर से हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे तरह से घुल गया है। अब इसको हम गिलास में सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने से पहले इसको हम छान लेंगे, जो भी पुदीने की पत्तियाँ अदरक वगैरह हैं छोटे छोटे टुकड़े वो सब ऊपर आ जाएंगे, और ग्लास में डालेंगे बर्फ़ के टुकड़े। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है गर्मियों के लिए, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अब इनको ग्लास में डालने से पहले थोड़ा सा चला लेंगे, इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ग्लास में डालेंगे। देखिए कितना डार्क कलर है, जैसा गुड़ रहेगा आपका शरबत का कलर वैसा ही आएगा। और इसमें दो दो टुकड़े नींबू के भी डाल देंगे, अगर कोई भी फ्लेवर आपको कम लगे तो आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे नींबू का रस हुआ, नमक हुआ, कुछ भी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे पुदीने की पत्तियों से। इतने में टोटल हमारे 7 ग्लास बनकर तैयार हुए हैं शरबत। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक्स हैं फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाएं।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, पीजिए, पिलाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।